लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो दिस आर बी प्राइमरी, सेकेंडरी, हेलिक्स, शीट, टर्न, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो हेलिक्स के ऊपर जब हम बात करते हैं, इसमें एटम के बेसिस पे स्क्रीवेंस पे राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड एटम्स के बेसिस पे बीटा हेलिक्स, गामा हेलिक्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली अल्फा हेलिक्स है। सीट में अल्फा सीट, बीटा सीट पाया जाता है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ये सारी चीज़ें होती हैं। टर्न में अल्फा टर्न, बीटा टर्न, गामा टर्न, ये अलग अलग टर्न पाए जा रहे हैं। सुपर सेकेंडरी में मोटिफ है, टर्सरी में सेकेंडरी स्ट्रक्चरल टर्सरी हो जाता है, फंक्शनल डोमेन हो जाता है। क्वार्टनरी में होमोजीनस हेट्रोजीनस पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसा आपको अभी कैलकुलेट करना बताया गया था, लीनियर चेन हो सकता है या सर्कुलर चेन हो सकता है। नंबर ऑफ पेप्टाइड एन माइनस वन होते हैं लीनियर में, जैसे अगर 6 अमीनो एसिड है तो 5 हो जाएगा, सर्कुलर के केसेस में इक्वल हो जाता है। लीनियर के लिए एन एन माइनस वन, और इस तरीके सर्कुलर के लिए एन है, लीनियर के लिए एन माइनस वन है। जनरली एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का मास 128 डाल्टन होता है, लेकिन अगर वो रेजिड्यू है तो 110 हो जाएगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो ये वैल्यू आ जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो होता है कि यहाँ पे ये आपस में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हेलिक्स में, और इंटर चेन बनता है आपके किस में, बीटा सीट में। बीटा सीट एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है हेलिक्स का। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग केसेस पे बनते हैं, जैसे कि देखिएगा एन सी ओ से एन प्लस टू में गामा, सी ओ अगर एन है एन एच एन प्लस थ्री तो बीटा, सी ओ अगर एन है एन एच प्लस जो है एन एच जो है वो एन प्लस फोर है तो आपका अल्फा, एन प्लस फाइव है तो पाई। मतलब सी ओ जो है जहाँ पे प्रेजेंट है, ये सी ओ अगर आप देखेंगे यहाँ पे सी ओ, दिस सी ओ, ये इससे देखेंगे अगर ये एन माना तो ये हो जाएगा एन प्लस वन, मतलब इससे चार जोड़िए आप, एक से चार पाँच, पाँचवें पोजिशन पर जो हो जाएगा इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, सेम चेन में बना रहा है, जो चेन चलता जा रहा है उसी चेन में बना रहा है। तो दिस इज लाइक इंट्रा चेन, ये पैरेलल टू द एक्सिस है, अगर एक्सिस इस तरीके से तो पैरेलल टू द एक्सिस है, तो इस तरीके से ये चीज़ चलती जा रही है। हमेशा एन प्लस फोर बन रहा है तो दिस वुड बी अल्फा हेलिक्स। एक पिच, एक टर्न जो कंप्लीट पूरा करा है, दैट इज द पिच वैल्यू। पिच को हम लिखते हैं पी से, और दो अमीनो एसिड के बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज द जेड एक्सियल हाइट। तो इस तरीके से भी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है कि यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अमीनो एसिड विद द पी अपॉन डेल्टा जेड। टोटल पिच की वैल्यू कितनी है और डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी है, इससे नंबर ऑफ अमीनो एसिड कैलकुलेट कर सकते हो। सो फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है मेजर रोल प्ले करता है। ओ ऑफ द एनएथ, एन एच ऑफ द एनएच फ्रॉम एन प्लस फोर्थ अमीनो एसिड फॉर अल्फा हेलिक्स। नंबर ऑफ अमीनो एसिड कैन बी कैलकुलेटेड विद द पी बाई डेल्टा जेड रेशियो। इसके अलावा कुछ आपके अमीनो एसिड्स होते हैं जो फेवर करते हैं दैट मालिक वाइफ पी जी। अगर घर की मालिक वाइफ है, अगर झगड़ा किया तो पी जी में जाके रहना पड़ेगा। इस मतलब अल्फा हेलिक्स फॉर मालिक, वाइफ फॉर बीटा सीट, एंड पी जी फॉर बीटा टर्न। बीटा टर्न के लिए पी जी होते हैं, ये फेवरेबल हैं। मालिक फेवर करता है अल्फा के लिए, वाइफ फेवर करता है बीटा के लिए, एंड पी जी फेवर करता है बीटा टर्न्स के लिए। सो दिस इज अल्फा हेलिक्स। बीटा स्ट्रैंड के ऊपर बात करें, इट कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल हो जाएगा तो सी टर्मिनस एक साइड में, एन टर्मिनस अपोजिट साइड में। एंटी पैरेलल में ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाएगी। व्हेन यू सी दिस, पैरेलल में सी टर्मिनस एक साइड में है, एन टर्मिनस अलग, एंटी पैरेलल में दोनों अलग, सी और एन टर्मिनस डिफरेंट डिफरेंट साइड में दो चेन्स के। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो इंटर चेन होता है, इंट्रा चेन नहीं होता। इन द केस ऑफ पैरेलल वन यू कैन सी हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंक्लाइंड वन, बट एंटी पैरेलल इट इज द परपेंडिकुलर, सो इट इज लाइक मिनिमम डिस्टेंस एंड इट कुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। सो पैरेलल बीटा सीट इज लेस स्टेबल इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंक्लाइंड वन, बट एंटी पैरेलल सीट्स आर मोर स्टेबल, मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज परपेंडिकुलर। इसके साथ साथ टर्न और लूप के ऊपर बात करते हैं, तो टर्न आर 4 to 5 अमीनो एसिड मोर कॉमन एंड ग्लाइसिन एंड प्रोलिन रिच पाया जाता है, जबकि लूप्स आर मोर देन 10 अमीनो एसिड का बना होता है, नॉट सो कॉमन। अगेन जैसा अल्फा हेलिक्स में था वैसे टर्न में ही होता है। अगर यहाँ पे नंबर थोड़ा सा अलग लिखा हुआ, लेट मी करेक्ट इट, देन आई विल गो फॉर इट। लाइक अगर अल्फा है तो एन प्लस फोर, अगर थ्री है तो ये हो जाएगा, गामा हो गया तो टू हो गया, ठीक है। दिस वन
अगर यहाँ पे देखिए एन है एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर, अगर इससे बाइंड करता तो अल्फा था, इससे बाइंड करता तो गामा था, और इससे करेगा तो बीटा है, एंड बीटा इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द टर्न। ये जो बीटा है यही सबसे ज्यादा कॉमन पैच आता है, बीटा इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जहां पे एन अगर इससे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है एन प्लस थ्री से, सो इट विल लिक द बीटा वन, बीटा सबसे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, इसमें दो आपके पर्टिकुलरली अगर देखें ये अमीनो एसिड के बारे में, दिस इज ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, चार अमीनो एसिड्स हैं। इसके जो सेकेंड और थर्ड होते हैं यही दोनों के जो फाई और साई एंगल होते हैं डिटरमाइन करते हैं कि इनके फाई और साई एंगल कैसे हैं। दे कैन बी लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये फाई और साई एंगल जो है दैट्स ए टू एंड ए थ्री, यही डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ टर्न होगा, टाइप ऑफ टर्न को यही डिटरमाइन करने वाले होते हैं जो कि पाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द टर्न एंड लूप। इसके अलावा देयर आर सम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स लाइक बीटा अल्फा बीटा फोर अल्फा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अल्फा बीटा आपस में जोड़ के सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। व्हाट दे एक्चुअली यूज्ड फॉर, मिनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कॉमनली फाउंड इन ग्लोबुलर एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दिस सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा दीज स्ट्रक्चर जब फर्दर फोल्ड करते हैं जिसमें आपके थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ द दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर, कुछ बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, दैट वन इज लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर आ जाएगा दैट हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। इसके साथ जो स्पेसिफिक होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए दैट इज हाइड्रोफोबिक फोर्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू, हाइड्रोफोबिक फोर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोफोबिक फोर्स। इसके साथ साथ आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनेगा, इसके साथ साथ आयनिक इंट्रैक्शन भी हो गए, आयनिक इंट्रैक्शन भी होगा, यू कैन नॉट डिनाई आयनिक इंट्रैक्शन। सो दीज आर द इंट्रैक्शन जो आपस में पाए जाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में। जब टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बना देते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हम बात करते हैं, तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इज लाइक अ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड यहां पे इन्वॉल्व होता है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड के ऊपर जब हम बात करते हैं दैट अगर मोर देन वन है तो दे कैन बी सेम नेचर और डिफरेंट वन, वो सेम या डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। इफ इट इज द सेम नेचर वी से द होमोट्रॉफिक, होमोट्रॉफिक नेचर का है, एंड इफ इट इज डिफरेंट दिस इज द हेटरोट्रॉफिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में दो अल्फा दो बीटा पाए जाते हैं, दैट्स दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, तो ये हेट्रोटॉपिक, कितने का है, टेट्रा, चार यूनिट है तो टेट्रामेरिक हो जाएगा। होमोट्रॉपिक का मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन जैसे कि थैलेसीमिया, थैलेसीमिया जब हीमोग्लोबिन के ऊपर बात करते हैं तो उसमें अल्फा फोर बन जाता है या बीटा फोर बन जाता है, दीज आर द होमोट्रॉफिक, थैलेसीमिया का हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपके होमोट्रॉपिक का हो जाता है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। व्हेन यू टॉक अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर जैसे कि मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इज नॉट अबाउट मल्टीपल ग्लोबिन नहीं होते, सिंगल ग्लोबिन का होता है, दिस इज मायोग्लोबिन, तो इस तरीके से क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहता है। सो होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।